आप सभी को पता है कि बच्चों के बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, जो 10th और 12th के उनके बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं। तो ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जिनके 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं। सबसे पहली चीज तो आप ये बताओ कि आपके बोर्ड एग्जाम्स है वो कैसे, बेकार जा रहे हैं, अच्छे जा रहे हैं, क्वेश्चन पेपर हट जा रहा है या क्या हो रहा है, तैयारी आपकी कैसी है, ये सब हमें कमेंट में बताओ। और ये भी बताना कि आप ये वीडियो कब देख रहे हो, जब आपके बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं तब देख रहे हो या बोर्ड एग्जाम्स के बाद देख रहे हो। तो बोर्ड एग्जाम्स को लेकर सबसे बड़ा बच्चों के लिए ये सवाल आता है कि बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो जाए उसके बाद क्या करना है उनको। एक जनरल एडवाइस है ये दोनों के लिए, चाहे आप 10th में हो या 12th में हो, बोर्ड एग्जाम्स के बाद आपको लगभग 2 महीने का गैप मिलता ही मिलता है, 2-3 महीने का गैप मिलता है जब तक रिजल्ट नहीं आता। इसके बीच में आप कुछ नया सीखने की कोशिश करो, कोई नई स्किल डेवलप करो, कोई नई हॉबी हो आपकी उस पर काम करो, उसे बेटर करने की कोशिश करो। ये जनरल एडवाइस है दोनों के लिए, 10th और 12th के लिए, दोनों के लिए। जो बच्चे 10th में है उनको उसके बाद स्ट्रीम चॉइस करनी होती है 11th में जाने के लिए कि क्या लेंगे, वो आर्ट्स लेंगे, कॉमर्स लेंगे, साइंस लेंगे। आप ये जो स्ट्रीम सिलेक्शन है ये कभी भी दोस्तों के प्रभाव में आके मत करना, या घर वाले प्रेशर डाले इसके चक्कर में मत करना, या आस पड़ोस के लोग या रिश्तेदार जो भी कहे उसके चक्कर में मत करना। क्योंकि आप फ्यूचर प्लानिंग अपनी बनाओ कि आपको आगे क्या करना है, किस फील्ड में जाना है, उसके हिसाब से जो भी आपके स्ट्रीम के सिलेक्शन है उसके हिसाब से आप स्ट्रीम के सिलेक्शन करो अपने, और जिसमें आपका मन लगे, जो भी आपका मन करे पढ़ने का उसमें जाओ। कभी भी किसी के प्रेशर में आके अपनी स्ट्रीम सिलेक्शन मत करो, क्योंकि बाद में दिक्कत आपको होगी, बाद में आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा, आपको अफसोस होगा, आपको पछतावा होगा। जो 10th का बच्चे उनके लिए जो 2 महीने का उनको गैप मिल रहा है उसमें आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, नई स्किल डेवलप करने के अलावा आप वेकेशन पे जा सकते हो। तो 10th वाले सबसे पहले तो आप थोड़ा रिलैक्स करो, जो पेपर खत्म हो जाए आप थोड़े वेकेशन पे जाओ, कहीं घूमने जाओ, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करो थोड़ी बहुत। उसके बाद जो भी आपके फ्यूचर प्लान हो, फ्यूचर प्लान बनाओ एक दिन बैठ के कि आपको आगे क्या करना है, सोचो उसके बारे में, उसके हिसाब से आप स्ट्रीम सिलेक्शन करो, और बहुत सारी किताबें पढ़ो, किताबें पढ़ सकते हो। और जब स्ट्रीम सिलेक्शन कर लो तो मन करे तो आप उसकी तैयारी करनी शुरू कर दो 11th के लिए। अब आते हैं 12th वालों पे कि 12th वाले क्या करेंगे। 12th वालों को भी 2-3 महीने का गैप मिलता है, इससे ज्यादा भी मिलता है 12th वालों को कई बार। तो इसमें तो सबसे कॉमन चीज वही कि आप कोई नया स्किल डेवलप कर सकते हो, कंप्यूटर लैंग्वेजेस सीख सकते हो। 2-3 महीने के कई सारे कोर्सेस आते हैं जिनके बारे में आप जाके मार्केट में पता कर सकते हो, कई सारी चीजें जिनके बारे में आप सीख सकते हो, कोई नया स्किल डेवलप कर सकते हो, अपनी हॉबी पे काम कर सकते हो कि अपनी हॉबी को परफेक्ट करना, चाहे आपका वो कुछ भी हॉबी हो, सिंगिंग हो, डांसिंग हो, ड्राइंग हो, कुछ भी हो आपकी हॉबी। और अगर आप जानना चाहते हो कि आपको 12th के बाद 2-3 महीने मिलते हैं उसमें कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हो आप, अगर आप जानना चाहते हो तो उसपे आपके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि इसमें वीडियो चाहिए। और एक सबसे कॉमन सवाल होता है जो 12th वालों से पूछा जाता है जब उनके पेपर खत्म हो जाते हैं, आगे क्या, इसके बाद क्या, व्हाट नेक्स्ट। और ये सवाल घर वाले पूछते हैं आपसे, आपके रिश्तेदार पूछते हैं, आपके आस पड़ोस के लोग पूछते हैं, और इस सवाल का कई सारे बच्चों के पास जवाब नहीं होता क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि आगे करना क्या है, फ्यूचर प्लानिंग उन्होंने नहीं करी होती है। तो जो 2-3 महीने आपको मिल रहे हैं इसमें अपने फ्यूचर की प्लानिंग करो, डिटेल रिसर्च करो, जिस भी फील्ड में आपको जाना है, जो भी करना है आगे, चाहे आपको जो भी बनना है, जो भी आप बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, पायलट बनना चाहते हो, सिनेमाटोग्राफर बनना चाहते हो, एडिटर बनना चाहते हो, या कुछ भी बनना चाहते हो आप, इसके अलावा आप फिजिकल एक्टिविटीज करो, थोड़ी सी अपने हेल्थ पे ध्यान दो, क्योंकि जब आपके बोर्ड एग्जाम चलने होते हैं तो आप पढ़ाई में इतने बिजी हो जाते हो कि फिजिकल एक्टिविटी आपके बिल्कुल नल हो जाती है। तो थोड़ा बाहर जाओ, थोड़ा खेलो कूदो, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करो, क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, जो भी खेलना आपको खेलो, रनिंग करो, एक्सरसाइजेस करो, थोड़ा योगा करो कि हेल्थ आपकी बेटर रहे थोड़ी सी। अगर आपकी कोई हॉबी नहीं है तो कोई हॉबी ढूंढो आप, चाहे वो सिंगिंग हो, डांसिंग हो, पेंटिंग हो, चाहे कुछ भी हो, कुकिंग भी हो, कोई दिक्कत नहीं भाई चलेगा, उस पर काम करो, उसे बढ़िया बनाने की कोशिश करो, उसे और परफेक्ट करने की कोशिश करो अपनी हॉबी को। और ये जो समय मिल रहा है आपको 2 महीने का, इसमें आप अपनी फैमिली के साथ जरूर टाइम स्पेंड करो, क्योंकि जब आप इसके बाद कॉलेज में जाओगे तो आपको उतना टाइम नहीं मिलता, स्कूल में तो वैसे ही आपको टाइम नहीं मिलता, कॉलेज में जाओगे तो भी आपको टाइम नहीं मिलेगा अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। और उसके बाद जब नौकरी करने लग जाओगे या बिजनेस करने लग जाओ, जो भी करोगे इसके आगे, उसमें तो बिल्कुल ही टाइम नहीं मिलता। इसलिए जो ये टाइम मिल रहा है ये बहुत ज्यादा क्रूशियल है आपके लिए, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, अपने रिलेशन बहुत अच्छे बनाओ अपनी फैमिली के साथ। और कुछ बच्चे होते हैं बहुत रिलैक्स हो जाते हैं, बिल्कुल मौज मस्ती में लग जाते हैं, बिल्कुल भी सोचते नहीं अपने फ्यूचर के बारे में 12th के बाद, बिल्कुल मौज मस्ती में रहते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आप प्लान करो अपने फ्यूचर के बारे में कि आपको आगे क्या करना है, क्या नहीं करना। जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर आप डिटेल में तो चाहते हो कि आप 12th के बाद कौन से कोर्स करो, 2-3 महीने जो भी आपको फ्री मिल रहे हैं जब तक आपके रिजल्ट नहीं आते,
तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ, इस पे एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि उन्हें भी इस वीडियो की बहुत सख्त जरूरत है। और चैनल को हमारा सब्सक्राइब करो, और आगे किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो वो हमें कमेंट सेक्शन में बताओ।